हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल ड्राइंग में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफी थ्री व्यू बनाना सीखेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमने आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक भी व्यू ड्रॉ करके आप लोगों को दिखाया था। तो ये जो आइसोमेट्रिक है फ्रेंड, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2019 बैच का फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन एनसीबीटी एग्जामिनेशन में इस प्रश्न को पूछा गया था। तो प्रश्न आपको क्वेश्चन में इस प्रकार पूछा जाता है, ड्रॉ फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑफ द गिवेन ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट दिया गया है उस वस्तु का तृतीय कोणीय प्रक्षेप में थ्री व्यू ड्रॉ करके दिखाना है, फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू, जिसे हम थ्री व्यू के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने बताया था आपको कि जब भी आप किसी आइसोमेट्रिक व्यू का ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रॉ करेंगे तो उससे सबसे पहले आपको एक वर्टिकल लाइन और दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन सेट स्क्वायर की सहायता से खींचना है। तो हमने भी वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों लाइन, और इसके बाद जो वर्टिकल लाइन है उससे 10 mm स्पेस लेकर उसके राइट साइड में उसके पैरेलल एक लाइन लेना है, और लेफ्ट साइड में भी उसी के पैरेलल 10 mm स्पेस लेकर एक लाइन लेना है। ठीक उसी प्रकार HP के पैरेलल नीचे साइड में एक लाइन लेना है, जिसका भी स्पेस 10 mm होगा, और उसके ऊपर भी पैरेलल लाइन खींचना है, जिसका भी जो स्पेस होगा वो हमारा 10 mm होगा। तो चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं। जैसा कि हम आइसोमेट्रिक व्यू में देख पा रहे हैं कि फ्रंट व्यू हमारा राइट साइड में है, साइड व्यू लेफ्ट साइड में एंड टॉप व्यू ऊपर में। तो हमने आपको बताया था कि तृतीय कोणीय प्रक्षेप में जब भी किसी आइसोमेट्रिक का ऑर्थोग्राफी ड्रॉ किया जाता है तो उसमें फ्रंट व्यू जिस साइड होता है उसी साइड उसको ड्रॉ करते हैं। तो चूंकि फ्रंट व्यू हमारा राइट साइड में है तो इसलिए इसका जो व्यू बनेगा वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, और साइड व्यू जो लेफ्ट साइड में है उसका व्यू हमारा थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा, और टॉप व्यू ऑलवेज फ्रंट व्यू के ऊपर, इट मीन्स कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रंट व्यू का जो टोटल लेंथ है 60 mm, और इसका जो हाइट है 30 mm। तो हम यहाँ से इस पॉइंट से 60 mm में पॉइंट लेंगे, 60 mm, और इसके बाद जो हाइट है हमारा 30 mm, इसको पॉइंट ले लेंगे 30 mm। इसके बाद इस पॉइंट से भी हम 60 mm पॉइंट ले लेंगे, नीचे से 60 mm पॉइंट लेकर इस जो 60 पॉइंट लिए हैं वहाँ से देख लेंगे कि ये हमारा 30 mm हाइट है या नहीं। ये होने के बाद फाइनली हम लोग चेक करने के बाद इसको वर्टिकल लाइन को खींच लेंगे। इसके बाद जो नीचे का लाइन है 60 mm उसे हम ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा सेंटर है, ये पॉइंट सेंटर पॉइंट, यहाँ से 15 mm एंड इधर से 15 mm, लेफ्ट साइड से 15 एंड राइट साइड से 50, और जो बीच का स्पेस है 30, 30 के बीच में सेंटर पॉइंट में एक इंक्लाइंड, दोनों तरफ से इंक्लाइंड लाइन है। तो हम क्या करना है कि लेफ्ट एंड राइट साइड से 15 mm में पॉइंट ले लेंगे, 15 mm एंड राइट साइड से 15 mm, और बीच का जो स्पेस है हमारा 13 mm होगा, 30 mm के बीच में सेंटर पॉइंट ले लेंगे हम, सेंटर पॉइंट। इसके बाद ये सरफेस जो है इसका, मतलब ये फ्रंट व्यू का, इसका हाइट 10 mm है। यहाँ देखिए 10 mm दिखाया जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे साइड से 10 mm स्पेस हाइट ऊपर ऊपर की ओर लेंगे, नीचे वाले लाइन से 10 mm, और राइट साइड भी नीचे वाले लाइन से 10 mm पॉइंट लेंगे। इसके बाद दोनों लाइन को आपस में मिला देंगे। इसके बाद यहाँ देखिए ये जो दोनों साइड में इंक्लाइंड लाइन है उसका जो थिकनेस है 8 mm, तो इस ऊपर साइड से 8 mm
8 mm पॉइंट लेंगे एंड राइट साइड में 8 mm पॉइंट लेंगे। इसके बाद नीचे साइड भी 8 mm पॉइंट लेंगे एंड राइट साइड भी 8 mm पॉइंट लेंगे। इसके बाद दोनों लाइन को आपस में दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे। इसके बाद देखिए जो सेंटर पॉइंट से है इसका नीचे साइड से आपका थिकने हाइट दिया हुआ है 10 mm और ये हमारा 10 mm, तो इट मीन्स हो गया हमारा 10 और 10 20। तो 20 हम नीचे साइड से पहले इसके सेंटर पॉइंट को पॉइंट करने के बाद इस पॉइंट से 20 mm में पॉइंट लेना है। 20 mm में पॉइंट ले लिए। और जो हमने 15 mm पॉइंट लिया था इस पॉइंट को 15 mm तक बढ़ा के मिला लेना है। इसके बाद यहाँ से दोनों इंक्लाइंड लाइन को इस पॉइंट से मिला लेना है। ये हमने मिला लिया। तो ये जो हमारा फ्रंट व्यू है उसको हमने ड्रॉ कर लिया है। फर्स्ट सरफेस देखिए यहाँ पे दोनों साइड पे जो इंक्लाइंड लाइन है वो सरफेस दिखाई दे रहा है। इसके बाद बीच का सरफेस ये वाला है और जो बीच नीचे का सरफेस है ये। इसके बाद हमको ये दिखाना पड़ेगा फ्रेंड, यहाँ से 20 mm लेफ्ट साइड और इधर से राइट साइड में 20 mm। तो 60 वाले पॉइंट से 20 mm एंड राइट साइड से 20 mm। ऊपर भी पॉइंट हम ले लेंगे 20 mm 20 mm। इसके बाद दोनों पॉइंट को आपस में मिला देना है। इस तरह से हमारा ये दोनों साइड का सरफेस, लेकिन बीच का जो सरफेस है वो सेंटर पॉइंट से यानी 30 वाला पॉइंट जो है सेंटर वाला वो भी आपस में मिला हुआ है, तो इसे भी हम मिला लेंगे। इसके बाद फ्रंट व्यू की रेफरेंस से हम साइड व्यू ड्रॉ करेंगे। अब देखिए साइड व्यू में जो है हमारा हाइट 30 mm ही होगा और इसका जो चौड़ाई होगा वो 45 mm। तो सबसे पहले हम इस लाइन में जो कंटिन्यूस थिन लाइन है उस लाइन पे 45 mm में पॉइंट ले लेंगे। इस पॉइंट से 45 mm। इसके बाद जो हमारा हाइट है 30 mm उसको भी इस पॉइंट से 30 mm में पॉइंट ले लेंगे। इसके बाद इसका हाइट 30 mm इस पॉइंट से भी इधर से भी चेक कर लेंगे, ये हमारा 45 mm होना चाहिए। इसके बाद इस लाइन को यहाँ देखिए 15 mm एंड जो हमारा स्लोट है 15 mm का, तो हम 15 mm यहाँ से पॉइंट ले लेंगे लेफ्ट साइड से एंड राइट साइड से 15 mm और इसके बाद 15 mm का बीच में स्लोट जो है उसको छोड़ देंगे। इसके बाद इसके हाइट को मिला लेंगे। इसके बाद देखिए जो स्लोट है स्लोट का नीचे से जो हाइट है 5 mm है, तो ऊपर से भी हम पहले पॉइंट ले लेंगे ताकि हमारा रॉन्ग ना हो। 15 mm 15 mm। इसके बाद यहाँ से रखने के बाद जो हाइट जो है हमारा 5 mm, इस हाइट को 5 mm लेकर मिला लेंगे। ठीक उसी तरीका से इस पॉइंट में 5 mm मिला लेंगे और ये दोनों
पॉइंट को आपस में मिला देंगे। तो जो हमारा स्लॉट है उसका हाइट 5 mm हमने ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद इस पॉइंट से देखेंगे, ये हमारा 20 mm दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो इस पॉइंट से ऊपर से 20 mm पॉइंट लेकर इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। इसके बाद इसे देखिए, यहाँ पे इस पॉइंट से 10 mm ऊपर साइड में है, तो हम राइट साइड के पॉइंट से ऊपर 10 mm पॉइंट लेंगे और इसे मिला लेंगे। इसके बाद इसको इंक्लाइंड लाइन से आपस में मिला लेना है। इसके बाद फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू के रेफरेंस के द्वारा हम टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। तो टॉप व्यू जो है फ्रेंड, हमेशा याद रखिएगा, टॉप व्यू का जो चौड़ाई होगा ऑलवेज फ्रंट व्यू के चौड़ाई के इक्वल होगा, और जो टॉप व्यू का हाइट होगा हमेशा साइड व्यू के चौड़ाई के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम टॉप व्यू को जब देखेंगे तो ये पार्ट जो है ऊपर साइड दिखाई देगा और ये पार्ट को नीचे साइड ड्रॉ करेंगे हम। तो इस तरीका से हमारा जो फ्रंट का चौड़ाई है उसके बराबर टॉप का चौड़ाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो फ्रंट का चौड़ाई है उसके चौड़ाई के बराबर 60 mm पॉइंट लेंगे, और जो हमारा साइड का चौड़ाई है उस चौड़ाई के बराबर टॉप व्यू का हाइट लेंगे 45 mm। इसके बाद इस पॉइंट से 45 mm, इसके बाद यहाँ से चौड़ाई जो है 60 mm, लेकर इसे मिलाएंगे। इसके बाद इस 45 mm को आपस में मिलाएंगे। इसके बाद हम देख पा रहे हैं कि जो इस साइड का है वो पूरा है कंटिन्यूस लाइन, लेकिन यहाँ पे देखिए स्लॉट कटा हुआ है। स्लॉट का जो मतलब कि हाइट है, थिकनेस जो है वो हमारा 8 mm है थिकनेस स्लॉट का, और इधर से आपका 20 mm एंड इधर से भी 20 mm है। तो हम लोग इस लाइन में लेफ्ट साइड से 20 mm पॉइंट लेंगे एंड राइट साइड से 20 mm पॉइंट लेंगे। इसका बीच में हमारा बच जाएगा 20 mm, तो उसको हम सेंटर पॉइंट से दिखा देंगे, 20 को हाफ करके 10 mm। इसके बाद इस पॉइंट से 30 में पॉइंट लेना है, सेंटर पॉइंट 30 mm, और ये दोनों पॉइंट को आपस में मिलाते हुए जो स्लॉट का थिकनेस था 8 mm, तो यहाँ से आपको 8 mm थिकनेस लेना है पॉइंट, और इस पॉइंट के द्वारा दोनों जो 20 पॉइंट लिए थे हम राइट साइड से 20 mm एंड लेफ्ट साइड से 20 mm दोनों को आपस में मिला देना है। तो इसको हमने मिला लिया है। इसके बाद हम यहाँ देख पा रहे हैं कि टॉप व्यू से जो अपर साइड से है 20 mm, इधर भी 20 mm, तो अपर साइड से हम 20 mm लेंगे लेफ्ट साइड से 20 mm एंड राइट साइड से 20 mm। पॉइंट लेने के बाद दोनों पॉइंट को आपस में मिलाते हुए कंटिन्यूअस थिक लाइन से
दोनों को मिला लेंगे। इसके बाद ये देखिए, इसका जो चौड़ाई हो जाएगा 15 mm एंड राइट साइड से 15 mm। तो ठीक उसी प्रकार लेफ्ट साइड से 15 mm एंड राइट साइड से 15 mm में पॉइंट लेंगे। फिर इसके बाद नीचे वाले लाइन से भी 15 mm लेफ्ट साइड से एंड राइट साइड से 15 mm। अब दोनों पॉइंट को आपस में मिलाते हुए लाइन खींचना है। इस तरीका से आप दोनों तरफ पॉइंट लेंगे तो कभी आपका जो लाइन है वो टेढ़ा नहीं होगा। अब देखिए जो इसका सेंटर है, जो बीच का भाग का जो 30 mm है हमारा, 30 mm का सेंटर पॉइंट पॉइंट जो है वो आपस में भी मिला हुआ है, तो इसको मिला लेना है। इसके बाद ये देखिए टॉप व्यू से जब देखेंगे तो ये जो सरफेस हमारा है इंक्लाइंड सरफेस, ये भी हमें दिखाई देगा ऊपर से। तो इसके बाद हमें इसे भी ड्रॉ करना होगा। तो लेफ्ट साइड से 8 mm एंड राइट साइड से 8 mm। फिर इसके बाद ऊपर में लेफ्ट साइड से 8 mm एंड राइट साइड से 8 mm। इसके बाद दोनों लाइन दोनों पॉइंट को आपस में मिला लेना है। तो इस तरीका से हमारा टॉप व्यू भी ड्रॉ कर लिया हमने। और फ्रेंड एक और चलिए एक और चेक कर लेते हैं। देखिए टॉप व्यू में ये सरफेस यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, जो इंक्लाइन सरफेस है ये सरफेस हो गया। इसके बाद ये सरफेस आपका इधर दिखाई दे रहा है। इसके बाद लास्ट ये सरफेस आपका इस जगह पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो इंक्लाइंड सरफेस है ये भी दिखाई देगा। तो ये हो गया आपका लेफ्ट साइड वाला, ये राइट साइड वाला। इसके बाद ये जो देखिए आपका स्लॉट कटा हुआ है, स्लॉट का हाइट थिकनेस दिया हुआ है 8 mm। तो हमने इसका जो थिकनेस है 8 mm लिया है। इसके बाद दोनों इस सेंटर पॉइंट को दोनों 20 mm के पॉइंट से मिला लिया है, लेफ्ट साइड से 20 एंड राइट साइड से 20। इसके बाद साइड व्यू को चेक कर लेते हैं। साइड व्यू देखिए इस सरफेस हमें दिखाई दे रहा है, ये हमने पूरा सरफेस को ड्रॉ कर लिया है। फिर भी फ्रेंड्स एक बार आपको चेक करना जरूरी है कि सारा सरफेस हमारा मिल रहा है कि नहीं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स एक दो तीन चार, चार सरफेस है, 1 2 3 4 सरफेस यहाँ पर दिखाई दिया साइड वाला, दोनों सरफेस, ये दोनों सरफेस हो गया। इसके बाद ये सरफेस बीच वाला सरफेस, तो ये हमने यहाँ पर दिखा दिया है। यहाँ से इसका यहाँ पर देखिए दिया हुआ था 8 10 mm, ये पूरा 20 है। तो इसका 10 mm पॉइंट में दोनों तरफ इंक्लाइंड लाइन से मिला हुआ है, तो इसे हमने ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद एक जो लास्ट क्वाड्रेंट है उस क्वाड्रेंट में हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। तो जो साइड व्यू का चौड़ाई है उसके बराबर 45 mm एंड टॉप व्यू का जो हाइट है उसके बराबर 45 mm पॉइंट लेंगे। इसके बाद इस पॉइंट से ऊपर की ओर 45 mm पॉइंट लेना है। इसके बाद दोनों पॉइंट को देख लेना चेक करके, ये हमारा 45 mm है या नहीं। इसके बाद इस लाइन को दोनों पॉइंट को कंटिन्यूअस थीन लाइन से इसको मिला देना है, कंटिन्यूअस थीन लाइन। फ्रेंड याद रखिएगा जितना हमारा ऑब्जेक्ट लाइन है उसे हम कंटिन्यूअस थिक लाइन से दिखाएंगे, अदरवाइज जितना प्रोजेक्शन लाइन है सभी को हम कंटिन्यूअस थिन लाइन से दिखाते हैं। इसके बाद ये हमारा यहाँ पे स्क्वायर प्राप्त हो गया है। तो इस स्क्वायर के डायगोनल को आपस में मिला लेना है और इसका एंगल ऑलवेज 45 डिग्री हमें प्राप्त होता है। तो इसके बाद हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। फ्रेंड देखिए यहाँ पे स्लॉट जो है बैक साइड से जब देखेंगे यहाँ से इस तरह स्लॉट आया है और ये स्लॉट इस तरह से यहाँ पे मिला हुआ है 10 mm में। तो हमको ठीक उस तरीका से यहाँ प्रोजेक्शन का स्लॉट दिखाना होगा। ट्वेंटी फाइव एम एम यहाँ से लेना होगा पॉइंट, 25 mm और यहाँ ऊपर से 20 mm। चलिए 20 हमारा आ गया है। तो अब हम यहाँ प्रोजेक्शन ड्रॉ कर देते हैं।
जो हमारा बैक साइड का स्लॉट है वो उसको हम हिडन लाइन से दिखाएंगे। ये हमने हिडन लाइन से दिखा दिया है। इसके बाद ये जो हमारा स्लॉट है फ्रेंड, स्लॉट का हाइट था 10 mm, तो इस पॉइंट से 10 mm पॉइंट ले लेंगे और इसे प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद जो नीचे का स्लॉट है 5 mm, इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। देखिए किस प्रकार से प्रोजेक्शन ड्रॉ किया जाता है। इसके बाद इसके बाद ये प्रोजेक्शन लाइन आएगा यहाँ पे, तो हम यहाँ से पॉइंट ले लेते हैं 15 mm। इसके बाद ये प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लिए हैं। इसके बाद इस पॉइंट से 30 mm पॉइंट ले लेंगे। पॉइंट लेने से जो हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं वो हमारा हमेशा सही होता है। उसके बाद यहाँ से 8 mm और ये प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे जो टॉप व्यू का स्लॉट है। इस तरीके से सभी प्रोजेक्शन को हम ड्रॉ कर लेंगे।
तरीका से सही प्रोजेक्शन को ड्रॉ करना है ताकि आपका जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है वो सही तरीका से बन पाए। इसके बाद हम डायमेंशनिंग करेंगे। तो डायमेंशनिंग करने के लिए सबसे पहले हमें एक्सटेंशन लाइन खींचना होगा। इसके बाद आप सेट स्क्वायर की सहायता से ही डायमेंशनिंग करिएगा फ्रेंड, जैसा कि हमने आपको बताया था। इससे क्या है, डायमेंशन जल्दी हम खींच पाते हैं और हमारा सभी डायमेंशन जो है इक्वल डिस्टेंस पे होता है। और डायमेंशन लाइन ऑलवेज ऑब्जेक्ट लाइन से थिन होता है। इसके बाद टॉप व्यू का डायमेंशन, पहले एक्सटेंशन लाइन, इसके बाद डायमेंशन लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद डायमेंशन दिखाने के लिए दोनों डायमेंशन लाइन के दोनों एंड पॉइंट में एरो ड्रॉ करेंगे। और ध्यान रखिएगा सभी एरो का साइज जो है वो इक्वल होना चाहिए। इसे सावधानीपूर्वक करना है और एरो सही तरीका से फिल्ड अप होना चाहिए। इस तरह जितना भी डायमेंशन दिखाना है हमें सभी के दोनों एंड में एरो को सही तरीका से ड्रॉ करेंगे।
इसके बाद टॉप व्यू में इसके बाद जो डायमेंशन दिया गया है उस डायमेंशन वैल्यू को एक एक करके बैठा दे जाएंगे। जैसे ये हमारा 8 mm, तो 8 डायमेंशनल के ऊपर। इसके बाद ये हमारा 12, 8, 12। इसके बाद 10, 10। Then 20, 8, इसके बाद 20 और इसके बाद ये 25। इसके बाद साइड का 30। इसका टॉप में लिखेंगे 15 mm, 15, 15, 15। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, यहाँ पे जब भी हम डायमेंशन के साथ डायमेंशन को न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखते हैं तो उसके साथ कभी भी यूनिट को नहीं लिखा जाता है। इसके बाद यहाँ से 15 mm फ्रंट व्यू का, ये 15 mm, इसके बाद 15 mm जो यूनिट है उसके लिए हम नीचे में लिखते हैं ऑलवेज। उससे पहले हम साइड व्यू इक्वल हाइट में, सभी फॉन्ट सीधा होना चाहिए, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू, ऑलवेज जो लिखेंगे फ्रंट व्यू साइड व्यू टॉप व्यू वो हमेशा व्यू के नीचे लिखाता है, तो इसे हम नीचे लिखेंगे, कभी भी ऊपर मत लिखिएगा। इसके बाद जो यूनिट लिया था हमने ऑल डायमेंशंस आर इन mm, ये सभी। तो ऑर्थोग्राफी व्यू हमने ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद जो ऑर्थोग्राफी व्यू है इसके नीचे तृतीय कोणीय प्रक्षेप का सिंबल ड्रॉ कर लेना है, और सिंबल के लिए हमने पिछले वीडियो अपलोड कर दिया था फ्रेंड, वहां से आप देख सकते हैं सिंबल को किस प्रकार ड्रॉ किया जाता है, तृतीय कोणीय प्रक्षेप एंड प्रथम कोणीय प्रक्षेप का सिंबल किस प्रकार बनाया जाता है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड सभी को तृतीय कोणीय प्रक्षेप में क्या होगा। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड जिनको इसकी ज़रूरत है तो शेयर करिए, यदि कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।